डिजिटल स्टोरेज जो है एक इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है। मैं आपके फोन से लेके आपकी गाड़ी में या आपके कंप्यूटर में या जो सैटेलाइट्स स्पेस में है, ठीक है, हर जगह जहां पे एक स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होती है, वेस्टर्न डिजिटल उन अलग अलग कैटेगरीज के लिए स्टोरेज डिवाइसेस प्रोड्यूस करता है, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो या फ्लैश स्टोरेज हो या आपकी एसएसडीज हो या आपके प्लेटफॉर्म्स एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स हो, एंटरप्राइज हार्ड ड्राइव्स हो, डेटा सेंटर्स देख लें, उसमें जो स्टोरेज लगती है वो वेस्टर्न डिजिटल प्रोड्यूस करता है अलग 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 ब्रांड्स के नाम से। WD, सैंडिस्क, हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाइन्स हैं। कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑल्सो एज अ टैलेंट पूल ऑफ टेक्नोलॉजी, पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी इंटरेक्शंस किए हैं यहाँ स्टूडेंट्स के साथ। पर्सनली मैंने बहुत इंटरेक्शंस किए हैं स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हों या बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हों, और मैं हमेशा इसे ये बिलीव कर पा रहा हूँ कि हमारे पास जो टैलेंट पूल है वो बहुत ही हाई लेवल का टैलेंट पूल अवेलेबल है। उसको 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 कल्टिवेट, उसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, और हम लोग कॉन्स्टेंटली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ एंगेज करके, राइट टैलेंट्स के साथ बात करके, वी ट्राई टू मेक श्योर दैट यू नो वी कैन गैदर द राइट टैलेंट पूल दैट वी नीड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। हमारे वी हैव अ वेरी लार्ज रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सो वो टैलेंट पूल जो है इंडिया के हर कोने से आता है, और उसमें कश्मीर भी इन्वॉल्व है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कश्मीर से पढ़े लिखे हैं, कश्मीर से इंजीनियरिंग करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो टैलेंट पूल है वो बहुत ही हाई लेवल का टैलेंट पूल अवेलेबल है। उसको 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 कल्टिवेट, उसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, और हम लोग कॉन्स्टेंटली इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ एंगेज करके, राइट टैलेंट्स के साथ बात करके, वी ट्राई टू मेक श्योर दैट यू नो वी कैन गैदर द राइट टैलेंट पूल दैट वी नीड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। हमारे वी हैव अ वेरी लार्ज रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सो वो टैलेंट पूल जो है इंडिया के हर कोने से आता है, और उसमें कश्मीर भी इन्वॉल्व है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कश्मीर से पढ़े लिखे हैं, कश्मीर से इंजीनियरिंग करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। सो टैलेंट पूल के लिहाज से आई डोंट थिंक हमारे पास ऐसी कोई कमी है। जहां तक कंजर्व मुझे लग रहा है कि ये सेगमेंट पर्टिकुलरली टेक सेक्टर जो है कश्मीर में वी विल कंटिन्यू टू ग्रो। नाउ आई हैव स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ टेक कंपनीज शोइंग इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू कम इन टू कश्मीर एंड सेटअप देयर ऑपरेशंस and set up their offices, set up their warehousing facilities, so that they are able to create a much faster time to market for their products and services. बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, मुझे लगता है इसकी वजह से हमारे को आगे चल के काफ़ी employment opportunities generate करने का मौका मिलेगा।